दुनिया उसकी गुणगान करती है, जो फर्ज के लिए मरता है, किसी की भलाई के लिए मरता है, देश के लिए मरता है। अच्छा तो गाजीपुर के बगले में हमरो जिला बा, गाजीपुर में सभी नेता बा, सारे नेता है, लेकिन एक नेता का गाजीपुर में आज तक हमने जो नहीं देखा, जो नेता न जाति देखा न पात देखा, जो आदमी चला गया उस व्यक्ति के दरवाजे पर खाली हाथ वापस नहीं लौटा। जिस नेता का नाम है सरयू पांडे, सरयू पांडे जैसा नेता हमने नहीं देखा। सारे नेता है, कोई अपने दल के लिए है, कोई अपने दल के लिए है, लेकिन बाहर है सरयू पांडे। तो इस दुनिया में जो आया है उसको जाना है, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से आदमी मरता है तो उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। आइए एक पहलवान की विरह सुनाने जा रहा हूँ, चार लाइन भूमिका में कवि का भाव है। अब देखा समहरी तो समहरी ना समहरी तो कोनो बहुत बड़े नहीं उसे के लिए दो समनी का बाना
बहादुर कई बिराहा बम जौहरी शहर है मास्टर साहब। हिसाब में संभाल के आज एक ऐसे पहलवान की बिरहा सुनाने जा रहा हूं जो बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बनारस, चंदौली, इलाहाबाद का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान था जिसको विश्व विजेता की पगड़ी मिली थी, जिसके नाम से जमाना कांपता था। अब वो पहलवान के हम बिरहा सुना नहीं, अब से थारू में थारू पहलवान के कहा सुनाए, वही पहलवान के बिरहा सुना जे दुनिया के सबसे बड़का पहलवान रहल। उस पहलवान का नाम था रुस्तम पहलवान, फारस देश का रहने वाला। शिकार खेलने के लिए फारस देश से निकल पड़ा, घूमते 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 कहाँ पहुंचल पहलवान, तुर्किस्तान के वो जंगल में, जंगल में गईले वो बड़ी खूबसूरत लड़की, सलवार समीज पहले रहो जंगल में बकरी चरावत रहल, गजब ओकर बनावट रहल, सुगा की ठोर नियर नाक, सेव नियर लाल लाल गाल, कतरनी चाउर नियर ओकर वोट, स्टील की कटोरी नियर ओकर बदन, हेतने के पातर करिहाय। वही जंगल में बकरी चरावत रहल पहलवान, गईले शिकार खेले, वो लड़की के नाम रहल तहनीमा। जब पहलवान के ऊपर नजर पड़ल ते वो गाना गावे लगल, तरज बदल गई मास्टर, इसके धीरे धीरे उठाता टिकोरा। पहलवान नजर घुमा के देखलन कहा के लड़की बे, तबे ले कोरा कोरा टिकोरा टिकोरा कैले बे, गैला पहलवान और लड़की के सामने पहलवानों के बनावट रहल, भेड़ा कटिंग बार, गला में सोने के गोली, पहाड़ या छाती, ऐठल ऐठल पेड़ोरी, तहनी
जब नजर मिलल तो दोनों में प्यार हो गई। देखा हम बताइए प्यार के कोनो समय सीमा ना बा। प्यार कब केकरा से हो जाई? प्यार में आदमी न बूढ़ जवान चिन्हलन, न गोर न करिया न जात न बिरादर, न मोट न पातर, गिरगिट हो जाला। अरे पारे, अरे कबो कबो तो पेपर में इसने निकलेला कि चार बच्चों की माँ प्यार में पागल, 16 बरस के प्रेमी के साथ फुर हो गई। देखे प्यार के कोनो समय सीमा ना बा। पहलवान और तनिमा में प्यार हो गया और प्यार कहिला पहलवान था तनिमा से शादी कर लिए। शादी करने के बाद तनिमा के पेट में गर्भ रह गया। तब तक फारस देश का राजा कहका उस नाम था पत्र लिखकर के भेजता है गर्भ पहलवान। शादी करके अपने औरत के साथ मौज मस्ती ले रहे हो, दुल्हन के सामने पढ़ रहा है और समझा रहा है। बिरह में वो तरज बदल गई, तनकी सबर लबस्तर गुणों का गीत बा। गुण नचिया में गोल खेलवंडा गावेलन, गुरका बजे लगी देहताल बजे लगी वही पत्थर के लंगड़ा नाचेलन। हुरका बजावे ले तो हुरका के तीन गो बोल बतावे ले, इतने तुहु के दे तनि मुहु 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 के दे। सचो के ससुरा कही कि राशन तेल लिखे मिलन, ये पहले के जवन पुरहिया कही के चल खिलन बतिया होत बाए मेरा। कौनो मेहरारू के पति परदेश में उहे कहले रहल एक पॉइंट असली नहीं मिलेगा पार पहले के जमाना के नाच। उहे कहले रहल दोनों लोगन के मन बा। हुरका नाच वाला लवंडा ओ कपार पर से चरा के ए ऐसे गिरा लिया आ कोना के लेके ए यहाँ ठोस लिया। वाह वाह बारे बता सब भौजी वाह। आ वही पछरा के लौंडा नाची तनी सा मजा ले राजा। एक के बिरह में केहू ना बताई। हम जब पब्लिक से जुड़ते हैं तो अपने भी आनंद लेते हैं और पब्लिक को भी आनंद देते हैं। ये मौज मस्ती के जिंदगी बा, चार दिन के जिंदगी बा, इनमें कहा रखल बा तो लंगूडा गावे ला शराब के ले आके यहाँ ठोस लिहन। नाच होके लगी वही पर नाचेलन
अच्छा भाई अगर ना बताई तब वो लोगन के कष्ट बा। हमरे बलिया में वो बेलथरा रोड बा और हमरे सूरज बिया की ओर से ये पुनः 100 रुपए का पुरस्कार। सुना दूसर बात बता दे गेहूं में मजा बा। हमरे यहाँ बलिया में बेलथरा रोड बा, मऊ जिला में घोसी बाजार बा, एगो पंडित जी हूँ त्रिलोचन पाड़े आज भी उनकर बस घोसी से बेलथरा ले चले ले। हम आजमगढ़ से विराग आके अली बेलथरा रोड वही रोडवेज के बगल में बैठ के चाय पियत रही। पंडित जी बस के सड़क पर खड़ा कैले रहा तनी नकनका के बोले लन केहू कही कि पंडित जी पाले की वो लगे तनी तो कहलेंगे तनी नकनका के बोले लन। गाड़ी स्टार्ट कैले रहा स्टेयरिंग पर सीट पर बैठे रहा स्लेटर दबावत बस धुआं फेंकते तबले वो यात्री आई लो के जाए के रहल बलिया। अब बस के आगे लिखल बा घोसी से बेलथरा बेलथरा रोड डिपो। कुमार आदमी हो के पता ना रहल संजोग से वो ड्राइवर नियर बोलत रहे जाके बगल में खड़ा भाई कहलत की अरे भाई यहाँ की मत कहा जाए। पंडित जी सोचलन के मैं ही तेरे बोली ले ऐसे ही सला जान के रिगावा था तब कुछ बोलत नहीं कर सुटर सुटर बीड़ी पिया था हंसा था कि अब वो सही चल जा। फिर वो कहलत की अरे भाई यहाँ बोलन में आने मेरी मौत कहा जाए। पंडित जी सोचलन की हमरो बोलिया एक नियर बा अगर हम कुछ बोलत है तो एक बाबू लग जाये। रही ना गई पंडित जी से तो कहलेंगे न्याय 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 कहा न्याय मब ये त्रिया बुझल की हम तेरे बोलत नहीं ऐसे अभी सला जान के निकाले ला। दोनों से बात फंस गई। ड्राइवर बुझाता कि यात्री रिगावता यात्री बुझाता कि ड्राइवर रिगावता। फिर ये त्रिया कहलन की अरे भाई साहब कहेंगे रिगाव ना बोलन गए मौत कहा जाये। पंडित जी सर अना गए तो कहलेंगे मोहिंदी मोहिंदी कूर में कहलेंगे अरे मोहनी वाले देख रहे होंगे मोहन के आगे लिखा है मोदी जी मिल धरा झुमा झुमा के मेला में मोहनी वाला माथा झाड़ने के लिए आ जाते हैं लेंगे साले को मोहन के आगे लिखा है मोदी जी मिल धरा। फिर भी मान मान मुझ रहा है कि भाई ना मत कहा जाए भाई ना मत कहा जाए। तबले हम दौड़ के गयी कहली की जाए तो पंडित जी नाराज मत हो खाई हो तोहरे नियर बोला था कलंगी नहीं गए भी हमारे ऐसा बोलता है वही साले को पहले मना देना चाहिए। अरे पहले के तरह बताओ जब वही तरह वो बोलते बा हो जाला कबो कबो। और ये गुड़ाऊ नाच में तनी बदल के गावेल को
दे दिया अपने दुल्हन को, तुम्हारे पेट से अगर बेटी पैदा होगी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने अगर बेटा दे दिया उसके गले या बाजू में यह ताबीज पहना देना। अगर मालिक ने बेटा दे दिया अपने समान दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान उस बेटे को बनाऊंगा। कह करके चला गया रुस्तम पहलवान फारस में, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। इधर तुर्किस्तान में क्या हुआ तेरी में भाव है, के पेट से बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ। लेकिन डर के मारे अपने पहलवान से यहाँ के यहाँ चिट्ठी लिखलस कि तुहार बेटी भइल बे, तेरा आगेल की चिट्ठिया में लिख देव की लड़का भइल बाम। कही के गई ना कि वह के पहलवान बनाए लड़कवा के लेके चलिए हम रह जाए अकेले। चिट्ठी लिखते है कि आपकी बेटी पैदा हुई है, लेकिन हकीकत तो यही था कि बेटा पैदा हुआ था। बड़ा प्यार से अपने बेटवा के नाम रखले सुहराब, और कहलस की सैया कहलन की पहलवान बनाई। काहे न हम अपनी बेटा के पहलवान बनाई, सिलौटी पर बादाम पीस कर दूध में फेंट के पियावे लगल। 16 बरस के उम्र में एक नंबर का पहलवान बनाती है। अपने वजन के सारे पहलवानों को अखाड़े पर पटक करके चित कर देता था। एक दिन अखाड़ा पर से लड़के आई, माई चूल्ही में गोईठा लगा के खाना बनावत रहल। एक कंधा के पकड़ के झूल के रोए लगल, हे माई अखाड़ा पर जे तनाव पहलवान लड़े बदे डालन, केहू के बाप लेके डालन, केहू के भाई लेके डालन। 16 बरस के उम्र हो गई अपने बाबू के हम ना देख ली भाई। हमार बाबू कहीं नौकरी करे लन कहाँ हुआ। माई के हाथ में आज सुबह गई कलश बेटा, हमारा बाप दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान, भारत के राजा के यहाँ नौकरी करता है। कलश सोराब की हमार बाप दुनिया के सबसे बड़का पहलवान, चढ़ाई करूंगा फारस देश पर, और वहाँ के राजा को हरा करके, वहाँ का राजा अपने बाप को बना करके लौटूंगा, तब तेरा बेटा कहूंगा। असल खिलखिलाई के महतारी अपने बेटवा के आशीर्वाद दे दे तरज कौन मास्टर। पुराण में कितना अंतर पुर के शिव मुहूर्त उस्ताद मऊ जिला के स्वर्गीय बेचन गुरु, हमरे बिरहा के गुरु जो 18 साल एमएलसी रहे गाजीपुर के काशीनाथ यादव जी, अपने जमाने में ये धोन के लोग आवे सड़क या सरकारी We'll be right back.
बिया में हमरे आपके गांव घर के मेहरारू गावे। हालांकि ये घरी के तक कुल मैं मेहरारू फिल्मी लय में गावत अड़ी सो। एक दिन एगो बारात में हम गई रहे बिराह होत रहल मैक में मेहरारू गावत रही सकी जरा टर्च दिखाओ। अरे मैं गान देखूंगी जरा टर्च दिखाओ। वही में कोनो लड़की के नकिया उठवा फाट गई रहल और ये मेहरारू गावे की जरा टारस दिखाओ मैं डाल देखूंगी। तो कहेंगे जरा नर निभाओ मैं भार देखूंगी जरा टारस दिखाओ। पहलवा कुल हमरे आपके गांव घर के मेहरारू एक गीत के गावे कैसे चल के वो लड़की लंडी से लड़ ली एगो लड़का से लड़ ली ये नहीं होगा। वहां का राजा कहे पहलवान नहीं लड़ोगे फारस की आबरू चली जाएगी। एक लाख आबरू चली जाए हाँ वहां का राजा तुम्हें एक लाख रुपया दिया जाएगा लड़ाई करो। कहा एक करोड़ रुपया दोगे लड़ाई नहीं करूंगा। कहावत है कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों बराबर वालों से होनी चाहिए। अरे बरवा गांव के लोगों नोट कर दे रहा हूँ, दुश्मनी भी करना तो बराबर वालों से, दोस्ती करना तो बराबर वालों से। रुस्तम पहलवान दुनिया के सबसे बड़का पहलवान अचल के वो लड़का से लड़ जाए ये तो नहीं होगा। वहां के राजा कहलस ऐसे न लड़बत अपन नाम बदल के ला। रुस्तम पहलवान ही कैसे हुई वहां का राजा अपने जाल में फंसा लिया। कहा के पहलवान लड़े खातरी के तो ही जेबा वो लड़का से लेकिन अखाड़ा पर ऐलान हुई कि रुस्तम पहलवान ना हुआ ये रुस्तम पहलवान का चेला हुआ। इनका नाम है चिखुरी पहलवान चाहे नेरूर पहलवान चाहे ढेला पहलवान जो ने समझ ला। इस पर रुस्तम पहलवान तैयार हो गया कि नाम बदल करके लड़ाई कर सकता हो। ऐ मेरे बिरहा सुनने वाले गाजीपुर के लोगों आज दो अनजाने बाप और बेटा
जी दिल्ली में आजादपुर सब्जी मंडी में जाने के बाद दिल्ली में कार्यक्रम भी कई बार करवाए हैं, और हमारे मित्र हैं रंजीत भैया को से पुनः दो संपिया बहुत बहुत भैया के प्रणाम बाप। आज दो अनजाने बाप और बेटा यहाँ निमोटा चढ़ा करके अखाड़े के तरफ धीरे 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 बढ़े, एक तरफ जवानी और एक तरफ ढलती उम्र। देखा सोहरा पहलवान मस्ती में झूमते हुए पहलवान आ रहा है, जो ही अखाड़े के करीब पहुंचा रुस्तम पहलवान, सोहराब ने कहा पहलवान रुक जाओ, हमें शंका हो गई है क्या आपका नाम रुस्तम पहलवान तो नहीं है। रहना तो रुस्तम पहलवान कलन के बे छोकरे, रुस्तम पहलवान से लड़ने का सपना देखो। रुस्तम पहलवान दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है, और तुम जैसे छोकरे से लड़ाई नहीं करता। सोहरा पहलवान जान गया कि ये मेरा बाप नहीं है। रुस्तम पहलवान सिर्फ इतना ही जानता था कि हमारी औरत ने चिट्ठी लिखा था कि आपकी बेटी पैदा हुई है, मेरा कोई बेटा हो नहीं सकता। दो अनजाने बाप और बेटा अखाड़े पर चढ़े, सलामी लगी, हाथ मिला, आज लड़ाई शुरू होने जा रही है। भाव कवि ने लिखा है मास्टर, जब अखाड़ा के लड़ाई से फैसला ना भई तो तीसरे दिन की लड़ाई में अब तलवार की भी लड़ाई हो सकती है। जो पहलवान है दूसरे को चाहे तो तलवार ही चला सकता है। तलवार की भी लड़ाई में न बाप पीछे हटा न बेटा पीछे हटा। अरे समझ अच्छी हार लेकिन शेर मिली गई, छक्का छोड़ा दिया, कहा कि अब झूठ नहीं बोलूंगा। अरे अपना ही नाम ले रुस्तम पहलवान, लड़का तीन दिन तक तो मैं तुमसे झूठ बोला था कि मेरा नाम दूसरा है, लेकिन कान खोल करके सुन लो मेरा ही नाम रुस्तम पहलवान है। अब दिल खोल करके लड़ाई कर लो। और मीरा मूर्ति माया मूर्ति कहाँ कार्यक्रम हो 28 तारीख के चकिया में, ये कहा कि मेरा नाम रुस्तम पहलवान है। अरे अपना ही नाम नहीं रुस्तम कि मेरा नाम रुस्तम पहलवान।
कियो हो तो हमार बाबू हो लगता झूठ बोल के हमसे लड़ाई करत रहन हम के अजमावत रहन 16 बरस के बाद मेरा बाप मिला है अपने बाबू से लड़ी की माफी मांग ले बोल पर गिर जाई अरे हाथा जो ही हाथ बढ़ा मिलने के लिए अरे तौलर उसके बाहर मेरे सीने में कर गई अरे तौलर उसके बाहर मेरे सीने में कर गई अरे सुबह में कचरिया सिकमा डाला गया अरे रहा करिए बच्चा गिरा ना धरा दिए सिकमा पकड़ के बच्चा बोला है बच्चा अरे जो ही दिल की तो हाथ उसका नहीं है निर्दयी बाप बगल से खींच करके कटारी मार दिया कचकचा करके अपने बेटे के कलेजे में गिर गया सोहरा पहलवान धरती पर कटारी को पकड़ लिया कहा कि मैं धोखेबाज पहलवान मेरे बाप के नाम पे झूठ बोल करके रे बेईमान मेरे सीने में कटारी मारे हो नाम तो मेरे बाप का नाम रुस्तम पहलवान है और मेरा बाप जान जाएगा कि उसके बेटे को मारने वाला तू है रे कमीना पहलवान तेरे सीने में कटारी मार करके अपने बेटे का बदला जरूर चुकाएगा रुस्तम पहलवान का बे लड़के तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत बन गई है कौन सी तेरे पास सबूत है कि तू रुस्तम का बेटा है गलत सरे धोखेबाज पहलवान तेरे पास कौन सी सबूत है कि मैं रुस्तम का बेटा नहीं हूँ कहा रुस्तम पहलवान की हमारी औरत ने चिट्ठी लिखा था कि आपकी बेटी हुई है मेरा बेटा कोई हो नहीं सकता कहा कि मेरे पास भी सबूत है जिसको देखेगा मेरा बाप तो जान जाएगा कि मैं उसका बेटा हूँ क्या दिखाया बाबू हमारे माई के प्यार के निशानी दिले रहलन देखा रुस्तम पहलवान उस ताबीज को और खून से लथपथ अपने बेटे को गोद में लेकर के रो रहा है हाय भगवान अपने हाथों से मैं अपने बेटे का खून कर दिया अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चू गई खेत गोद में लेकर के रो रहा है रुस्तम पहलवान सामने जब मेरा बेटा मर रहा है वही कटारी के पकड़ के सोचला अपनी सीना में मार के हम मर जाए तब तक लड़का हाथ से कटारी पकड़ ले लस का लस नहीं पापा लड़ाई के मैदान में आप बहादुर निकले ये तो अपनी अपनी लड़ाई थी मैं अपने लिए लड़ रहा था आप अपने लिए लड़ रहे थे बहादुर आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता पिताजी अगर गम को भुलाना है पिताजी पुत्र सबको सही देश के लिए ही जिंदा रहिए
कई धान गोहू के बोझाना, बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा, अपने बेटे की अर्थी को कंधे से लगाया और ले जा कर के दफन किया है। आखिरी लाइन भाव है कुसुम राम के उड़ान, पसारे जदू के पैगाम।